अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है अयोध्या के भविष्य को लेकर, अयोध्या को एक सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। मेरे साथ फैजाबाद अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह हैं, जो पिछले कई दशक से अयोध्या में जो बदलाव हुआ है उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा है। पहला सवाल है, एक एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ, बहुत लंबे समय से ये सोचा जा रहा था यहाँ पे कि अगर आप इसको एक ग्लोबल टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक एयरपोर्ट चाहिए होगा, एक इंटरनेशनल क्वालिटी का एयरपोर्ट। उससे कितनी मदद मिली आपको लगता है इस सेंटिमेंट को आगे मजबूत करने? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद पूरे देश और दुनिया से हम लोगों को अयोध्या ला सकेंगे, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनका दर्शन करा सकेंगे और अयोध्या के आसपास जितने प्रभु श्री राम से जुड़े पौराणिक स्थल हैं, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली है, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, उनको भी दिखाने का काम हम करेंगे। अयोध्या के पुरातन जो इतिहास है उसको भी उसका अवलोकन कराने का काम करेंगे। रेलवे स्टेशन को भी नए सिरे से रीडेवलप किया है आपने, वहाँ भी आपको उम्मीद है कि अभी वॉल्यूम्स बढ़ेंगे अभी 23 तारीख के बाद? नहीं, रेलवे स्टेशन का जो डेवलपमेंट अभी आप देख रहे हैं ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। अभी तो उसका द्वितीय चरण बाकी है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन का 450 करोड़ रुपया उस पर सैंक्शन है। रामघाट हाल्ट भी, उसका भी निर्माण हो रहा है, 10.5 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ और भी पैसा जारी होगा। अयोध्या में दर्शन नगर एक स्टेशन है, 20 करोड़ रुपया उस पर दिया गया है। भरत कुंड पर 16 करोड़ रुपया दिया गया। अयोध्या कैंट स्टेशन के लिए 600 करोड़ का DPR बनकर गया है, वो भी जल्दी फरवरी मार्च तक शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के रेलवे की दृष्टि से हम पूरे देश से एक एक कोने से यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा पूर्वक ला सकेंगे और स्टेशनों पर उनको सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। आपने बहुत सारे हाईवेज भी यहाँ पर देखे हैं, जो नए हाईवेज का निर्माण हुआ है, आने वाले दिनों में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है, इसके लिए क्या विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उनके मार्गदर्शन में ही सारा विकास का काम हो रहा है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की हो, सब उनकी सोच के हिसाब से हम सब मिल करके उसको कर रहे हैं। कुल मिलाकर के रायबरेली से आने वाली जो सड़क है उसको 4 लेन में उसका निर्माण कराया गया है। विंध्यवासिनी से लेकर अयोध्या तक 4 लेन में सड़क बन रही है और अयोध्या से सुल्तानपुर तक पहले राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में उसका निर्माण कराया गया है। अब 4 लेन के रूप में भी वह भविष्य में बनने वाली, उसका DPR जमा हो गया है। इसी प्रकार से लखनऊ रोड 4 लेन पहले से है लेकिन उसका सौंदर्यीकरण ठीक से हो जाए उसके लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है और भविष्य में उसको भी 6 लेन 8 लेन में परिवर्तित करने का काम प्रारंभ होगा। भविष्य में हम लोगों की योजना है कि रेलवे पूरे देश से चूँकि अयोध्या को जोड़ रहा, बहुत सारी ट्रेनें चलेंगी, इसलिए और भी लाइन की आवश्यकता हो तो उस और भी लाइन बनाने का काम बनारस से लेकर के बाराबंकी तक किया जाए। 2 छोटे-छोटे सवाल थे, क्या आप जो एयरपोर्ट बना है आप चाहेंगे कि आने वाले सालों में इसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पे विकसित किया जाए? हाँ, उसका काम शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए उसकी जमीन जितना उनको चाहिए वह अधिग्रहित करके दी जा चुकी है, उन्होंने उसके लिए भी काम प्रारंभ कर दिया है और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो भी सुविधाएं चाहिए, जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, उसको पूरा करने का काम उड्डयन मंत्रालय जल्दी ही करने वाला है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं आपको, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो दूसरी कंपनियाँ हैं जिनको चार्ज मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वहाँ पर, वो सब तैयार हैं। अयोध्या के लिए तो सारे लोग तैयार हैं और सब जैसे सुविधा मिलेगी वैसे वो अपना तैयारी किए हैं, वैसे वो उड़ाने शुरू कर देंगे, उड़ाने करेंगे। एक विजन डॉक्यूमेंट में एक जगह लिखा है कि आप अयोध्या को एक सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो भविष्य में क्या स्मार्ट सिटी के तर्ज पे अयोध्या को
विकसित करने की पहल करने की भी तैयारी है? उसकी तैयारी पहले से है। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रदेश सरकार ने अयोध्या को घोषित कर रखा है, लेकिन भारत सरकार भी जो है, वैसे अयोध्या जब नगर पालिका थी तब वेंकैया नायडू जी जब मंत्री थे नगर विकास के, तब उन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में इसको किया था, जबकि यहाँ की आबादी कम थी। लेकिन उसके बाद भी रामेश्वरम और अयोध्या को उन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया, लेकिन नगर निगम बनने के बाद प्रदेश सरकार ने भी अपनी तरफ से किया। उसकी पूरी तैयारी चल रही है, बहुत सारे जो स्मार्ट सिटी के मानक है उन सारी सुविधाओं को यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पर पार्क का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही, होटल का निर्माण हो रहा, अभी तो कम होटल हैं, भविष्य में साल दो साल में 7 स्टार से लेकर के सभी प्रकार के होटल यहाँ पर बनेंगे, और उन्होंने उसकी अनुमति भी बहुत सारे लोगों ने ले लिया, तो सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अयोध्या सुंदर लगे, सुंदर दिखे और सुंदर बने, यह मोदी जी का विजन है। अयोध्या आध्यात्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी जानी जाए। अयोध्या का पुरातन अस्तित्व और नवीनतम दोनों संयुक्त रूप से मिला करके इसको बनाने की योजना। लल्लू सिंह जी, आपने कहा कि एक 7-स्टार होटल भी अयोध्या में बनेगा, क्या हम मान सकते हैं कि देश का पहला 7-स्टार होटल अयोध्या में होगा? अयोध्या में 7-स्टार होटल जो बनने वाला है वह वेजिटेरियन होगा, पहला होटल होगा पूरे दुनिया में जो 7-स्टार वेजिटेरियन होगा। इस प्रकार का अयोध्या में होटलों का की श्रृंखला जो है खड़ी होने वाली, दुनिया का पहला होटल जो वेजिटेरियन, सिर्फ वेजिटेरियन फूड वहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, वेजिटेरियन मिलेगा जी। कोई एक अनुमान है कि आने वाले 23 तारीख से जब आप राम मंदिर टेम्पल कम्प्लेक्स को खोलेंगे आम श्रद्धालुओं के लिए, तो संख्या को लेके कोई अनुमान है, कितने श्रद्धालु आप उम्मीद कर रहे हैं आएंगे, ऐसा कोई एस्टिमेशन? हमने अभी तक जो हमारी समझ है, जो हमने काम किया, जनभावना का जो हमने अध्ययन किया, उस आधार पर 2014 से हम बोलते रहे कि 2 लाख लोग रोज आएंगे, और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थान होगा जन की दृष्टि से। अब तो हमारा मानना है कि 3 लाख लोग रोज आएंगे प्रतिदिन, और अगर न रोका, मैंने लोगों से कहा, आग्रह न किया गया कि धीरे धीरे आप लोग आइए, तो यहाँ पर भारी भीड़ आ सकती है, सैलाब भी आ सकता है जन जी। और एक आखिरी सवाल था आपसे, जो टेंपल कॉम्प्लेक्स के आसपास एक सुंदरता के ऊपर भी बहुत ध्यान है, स्वच्छता पे भी, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने स्वच्छता एक अभियान शुरू किया। मोदी जी ने 30 दिसंबर को यहाँ अयोध्या वासियों से अपील की, उसके पहले भी वो आए थे, जो पिछले वर्ष दीपकोत्सव में उन्होंने यहाँ इशारे में अपील किया था कि अयोध्या वासियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार जहाँ उन्होंने पूरे देश से अपील की, वहाँ विशेष रूप से अयोध्या वासियों से अपील की है कि अयोध्या सुंदर बनाने का काम जहाँ सरकार और बहुत सारे सामाजिक संगठन कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं कर रहे हैं, विशेष रूप से केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है, वहीं अयोध्या के पूज्य संत, अयोध्या के राम भक्त नागरिक सभी मिलकर के अयोध्या को स्वच्छ रखने का काम करें, और पूरे देश और दुनिया से लोग आएं तो उनका स्वागत और सम्मान ठीक से। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या से मेरे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन पवन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।